मेले में घुसते के साथ ही मेरे साथ हो गई है ट्रेजेडी। वो आ रही है, थोड़ा जूम करती हूँ मैं उसको। ये रही पे लगे हुए हैं रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण। और ये दोनों भुक्कड़ लोग लगे हुए हैं यहाँ पे। हेलो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू ब्लॉग में। एंड आज का ब्लॉग मैं बना रही हूँ आईफोन से, सो क्वालिटी में डिफरेंस आप लोगों को डेफिनेटली दिखाई दे रहा होगा। एंड आज है दशहरा, सो हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। एंड आज जो है बहुत अच्छा दिन है, तो मैंने सोचा कि आज जो है हम लोग आईफोन से ही ब्लॉग बनाते हैं एंड आज से ही इसका उद्घाटन कर देते हैं। सो आज जो है हम मेला देखने भी जाएंगे, तो बहुत मजा आने वाला है आज के ब्लॉग में। आप ये ब्लॉग पूरा कंप्लीट देखिएगा, डेफिनेटली आपको बहुत मजा आएगा। एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 7, तो अभी मैं जा रही हूँ दौड़ लगाने के लिए, रनिंग करने के लिए, तो चलो मेरे साथ। तो अभी हो चुकी हूँ मैं रेडी एंड मैंने हुडी वगैरह सब कुछ पहन ली है। वैसे इतनी ज़्यादा यहाँ पे ठंड नहीं है, पर जो है जहाँ पे मैं रनिंग करने के लिए जाती हूँ वहाँ पे ना दोनों साइड से जंगल, पेड़ पौधे सब कुछ है, तो वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो पहले से ही मैंने प्रिकॉशन लेकर के रख ली है, क्योंकि यहाँ पे फीवर, कोल्ड कफ जो है बहुत ज़्यादा चल रहा है क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है। सो अभी मैं घर पे हूँ, तो जिम वगैरह नहीं जा सकती, मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा और पता नहीं फिर मैं कितने दिन यहाँ पे रुकूंगी। तो इसीलिए मैंने जिम ज्वाइन नहीं किया है, इसीलिए मैं मॉर्निंग में ही जो है रनिंग के लिए चली जाती हूँ। तो फिर चलो चलते हैं। सो गाइज, ये है वो एरिया जहाँ पे मैं रनिंग करने के लिए आती हूँ। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड से पेड़ पौधे हैं। एंड इसको हम लोग CVI अकेडमी बोलते हैं। जो लोग यहाँ गाज़ियाबाद में रहते हैं उनको डेफिनेटली इस जगह के बारे में पता होगा। सो थोड़ा सा और आगे चलेंगे ना, फिर दोनों साइड से ना फिर जंगल जंगल है, तो ठंड बहुत ज़्यादा रहती है और जैकेट वगैरह पहनने से ना बॉडी एकदम गर्म रहेगी, तो इसीलिए मैं जैकेट पहन के आई हूँ पहले से ही। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ पे जो है चारों तरफ, नॉट चारों तरफ, दोनों तरफ जो है बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा रहता है। सो गाइस, अभी रनिंग हो गई है डन। पहले मैंने सोचा था, मतलब पहले जब मैंने एक वीक पहले यहाँ पे रनिंग करना स्टार्ट किया था, तब मैंने सोचा था कि मैं नेहरू स्टेडियम जाऊँगी रनिंग करने के लिए, और वो यहाँ से बहुत दूर है। मैं वहाँ पे पहुँच, मतलब ऐसा बीच रास्ते में थी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं पहुँच तो जाऊँगी बट वहाँ से रिटर्न आने में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, मुझे ऑटो वगैरह करना पड़ेगा। इसीलिए वहाँ का प्लान ड्रॉप करके जो है मैं यहाँ पर CVI अकेडमी रनिंग करने के लिए आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है टहलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, और काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे मौसम रहता है, वेदर रहता है, बिकॉज थोड़ा ठंडा ठंडा रहता है, तो अच्छा लगता है रनिंग करने में। सो चलो अब मैं जाती हूँ घर एंड आप लोगों से मिलती हूँ घर पे, एंड मेन रोड तक जो है मैं यहाँ से चल के जाऊँगी। मौसी, बाहर टेंट लगा है। हाँ, कुछ हो रहा है, भंडारा होगा, देवी जागरण होगा, दे भंडारा होगा, तो खाना जाएंगे। तो अभी मैं हो गई हूँ रेडी एंड आज मुझे फिनिश करने हैं मेरे 2 वीडियोस, तो उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं ये इतना बनी ठनी हूँ, बहुत अच्छे से मैं रेडी हुई हूँ। सो फटाफट से मैं फिर वो फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें डेफिनेटली बहुत टाइम लगने वाला है। एंड मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज किचन में क्या बन रहा है। बनाऊंगी। मौसी, क्या बन रहा है आज किचन में? कचौड़ी बनाऊंगी। कब बनाओगी? अभी बनाती हूँ, आप खाओ फिर बना दूंगी। अच्छा ठीक है। और पापा के लिए क्या बन रहा है? पापा के लिए मसूर की दाल। मसूर की दाल और रोटी मिर्च की। शाही पनीर पापा, आपने बोला था शाही पनीर। शाही पनीर शाही पनीर, मैं पापा मिर्च नहीं खा पाते ना, तो इसीलिए सिर्फ शाही पनीर खाते हैं, क्योंकि वो मीठी होती है। कोफ्ते भी बनवा सकते हो आप। कोफ्ते नहीं, आज नहीं, कोफ्ते आज नहीं, कब बनाएंगे कोफ्ते? दिवाली पे है? दिवाली पे पनीर कोफ्ते। मौसी, पनीर की तैयारी चल रही है। आज बने हुए हैं पापा शेफ, और आज किचन में बन रही है शाही पनीर, और पापा के चक्कर में हमें भी खाने को मिल जाएगी। यहाँ पे मौसी बनी हुई है उनकी असिस्टेंट, बस उनको पापा यहाँ खड़े हुए हैं और सामान पकड़ाने का काम मौसी कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे बन चुकी है हमारी शाही पनीर, और मैं खाकर आपको बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। आज
दशहरे के अवसर पे हमारे यहाँ पे बने हैं पकवान शाही पनीर एंड ये कचौरी दही के साथ। तो शाही पनीर के साथ जो है रोटी बनी थी, मैं ऑलरेडी एक रोटी खा चुकी हूँ, तो शाही पनीर का टेस्ट यस बता देती हूँ मैं, अच्छा था, थोड़ा क्रीमी भी था एंड मेरे लिए थोड़ा मीठा था, पापा के लिए ठीक था। सो बस यही था एंड अभी बारी है कचौड़ी की। मेले के लिए पैसा, तो अभी हम हो गए हैं मेले के लिए रेडी, तो चलो फिर चलते हैं। आ जाओ मौसी, भी हम लोग जा रहे हैं रेडी शेडी होकर के मेला देखने के लिए, और पापा से 500 रुपए मिल गए हैं मुझे, मौसी को मिले हैं 1000 रुपए मेला देखने के लिए। तो चलो फिर मेले में मुलाकात होती है, और हमें वहां पे मिलेगी श्वेता, तो आज हम श्वेता से भी मिलेंगे। ये सब लोग मेला देखने वाले हैं, ये सब मेला देखने वालों की भीड़ है। अभी अराउंड 5 बज रहे होंगे और बहुत ज़्यादा भीड़ है मेला वालों की। मतलब मैंने श्वेता को बोला था कि हम लोग जो है 4 बजे चलेंगे, बट उस टाइम पे धूप बहुत ज़्यादा होती, तो इसीलिए हम लोग 4 बजे नहीं जा पाए। तो अभी हम 5 बजे जा रहे हैं, तो बट अभी भी भीड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज दशहरे का दिन है, तो आज रावण का भी दहन होगा। सो लेट्स सी, देखते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ होती है और क्या क्या हम लोगों को मेले में देखने के लिए मिलता है। कुछ अच्छा मिलेगा तो डेफिनेटली मैं उसको बाय करूँगी। इतनी भीड़ है, बाप रे, बहुत ही ज़्यादा भीड़। मेले में घुसते के साथ ही मेरे साथ हो गई है ट्रेजेडी, मेरी चप्पल टूट गई है और मैं नंगे पैर चल रही हूँ अभी, हमेशा मेरे साथ यही होती है। हम लोग पहुँच गए हैं मेले और बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। श्वेता हमारा काफ़ी टाइम से वेट कर रही है और वो पागल हो गई है चिल्ला चिल्ला करके, तो फटाफट से पहुँचते हैं के गेट पे। ये देख वो आ रही है, थोड़ा जूम करती हूँ मैं उसको, ये रही वो औरत। तो ये जो है काफ़ी देर से हमारा वेट कर रही है। आ जाओ इधर, आ जाओ झोला लेकर के, चप्पलें दिलवा मुझे, चप्पलें दिलवा, नंगे पैर घूम रही हूँ मैं। अब मुझे नंगे पैर नहीं रहना पड़ेगा। फाइनली मैंने पहन ली है चप्पल और अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए मैं ये पहनूंगी, बाद में इसको मौसी ले लेंगी, इसीलिए इस टाइप की मैंने स्लीपर्स ली हैं जो कि डेली यूज में भी काम आती रहे। पे लगे हुए हैं रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण, और यहाँ पे चल रही है रामायण, और ये तीनों फटेंगे रात में। सो यस, तब तक तो हम लोग जा चुके होंगे। अभी हम ढूंढ रहे हैं खाने की जगह, मतलब मेला के अंदर घुसते ही और हम कुछ खाए नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसीलिए हम देख रहे हैं कोई अच्छा सा स्टॉल जहाँ पे कुछ अच्छा ढंग का मिल जाए और फिर हम वहाँ पे बैठ के खाएंगे आराम से, उसके बाद मेले को एंजॉय करेंगे। तो मुझे अभी लग रही है प्यास, तो मैं सोच रही हूँ कोई नहीं, मेरे को प्यास लग रही है, मुझे कुछ ऐसा चाहिए शिकंजी टाइप का। चारों तरफ सिर्फ खाने के इतने बड़े बड़े स्टॉल्स लगे हुए हैं, ये सिर्फ खाने के हैं, बहुत ही बड़े बड़े स्टॉल्स ये पूरी लाइन में। पे हम लोग बनवा रहे हैं सोडा शिकंजी क्योंकि मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। हेलो गाइस, बचपन में जब मैं मेला आती थी ना, तो कोई झूला झूलूं या नहीं, पर मैं मौत का कुआं ज़रूर देखती थी। इस बार भी वही प्लान था, पर भीड़ इतनी ज़्यादा थी क्योंकि दशहरे का दिन था, इसलिए तो हम लोग वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाए, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। और ये जो है ना शॉप होती हैं छोटी छोटी खिलौनों की मेले में, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं, बच्चों के लिए बहुत डिफरेंट डिफरेंट जो है खिलौने मिलते हैं, और ये लेज़र लाइट तो मेले में बहुत ज़्यादा फेमस है। ये आर्टिफिशियल फूल मिल रहे हैं 20 रुपए का एक, तो मैं ये सोच रही हूँ 2-3 से जो है ना एक बंच बनवा लेती हूँ क्योंकि मैंने ना पास मंगाया है, तो दिवाली पे अच्छा काम आएगा।
और ये दोनों भुक्कड़ लोग लगे हुए हैं यहाँ पे, मैं कुछ नहीं खा रही हूँ। खाओ खाओ, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा। अभी हम लोगों ने ले ली है फ्रूट आइसक्रीम, सो चीयर्स। जब हम पहले मेला आते थे तो ये निशाने जरूर लगाते थे और आज भी लगाए। ठीक है, चलो चल जल्दी कर ले भाई। निशाना जरूर लगाना है। ठीक है, भर के मारियो। ये फूटा फूटा लड़की में लगा, लड़की में ऐसे क्या, ऐसे तो गुब्बारे फोड़ रही है बस तू। कुछ आई नहीं रहा, ये लड़की में मारना, येलो वाली जो लड़की है। ये लगा लगा, बढ़िया। यहाँ पे लगी हुई है ट्रे की सेल, 150-200 रुपीस में बहुत ही प्यारी प्यारी ट्रे मिल रही है यहाँ पे। तो मुझे ना ये वाला डिज़ाइन बहुत पसंद आया, स्क्वायर शेप में, तो मैं ये सोच रही हूँ परचेज करने का। यहाँ पे बन रहा है ये हलवा पराठा है और खजला, ये खजला है और मुझे नहीं पता कैसा लगता है ये। शादी वादियों में बनाए ना। अभी हम लोग आ चुके हैं घर एंड बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो अब रेस्ट करेंगे। सो इस ब्लॉग में बस इतना ही गाइस, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से फिर नेक्स्ट ब्लॉग और नेक्स्ट मीशो हॉल में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।